Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. So first of all, happy Ganesh Chaturthi to each and every one of you. Ganesh Chaturthi ki aap sabhi ko bahut bahut shubhkamnaye. So is saal ka puja start ho chuka hai, matlab Ganesh Chaturthi se, matlab sare puja ki shuruaat hoti hai. So Ganesh puja se abhi start hoga, uske baad hum bangaliyon ka, hum logo ka sabse bada festival jaise Durga puja hota hai, Durga puja bhi start hoga. So main to subah se naha dho ke abhi ready ho gayi hu, abhi main puja ka preparation start karungi. Zyada to abhi nahi bolungi, without wasting much time. Mera abhi preparation yahan pe aap dekh sakte hain, abhi start ho jayega. So let's start the day guys. So देखते हैं कि आज क्या क्या होता है, आज दिन भर में कैसे गणेश चतुर्थी जो है कैसे सेलिब्रेट करती हूँ मेरे घर में. क्योंकि मेरे घर में जैसे गणपति लाया जाता है, तो मेरे घर में गणपति नहीं लाया जाता है, मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्थापना किया हुआ गणपति है. मतलब मैंने स्थापना की थी गणपति की, तो मेरा विसर्जन भी नहीं होता, मेरा हमेशा गणपति मेरे साथ ही रहता है. तो गणपति को मेरे को मतलब खिलाना सुलाना, रात को हम लोग सुलाते भी हैं उसको, फिर जगाते हैं. तो जैसे कि गोपाल को किया जाता है ना, वैसा है मेरा. तो मेरे को विसर्जन नहीं करना पड़ता, इसलिए ज़्यादा मतलब मन खराब नहीं होता, दुखी नहीं होता. क्योंकि जब विसर्जन होता है ना भगवान को, जब हम लोग 11 दिन रखते हैं, या दुर्गा भी हम लोग जब 11 दिन रखते हैं उसके बाद जब हम लोग विसर्जन करने के लिए जाते हैं ना, बहुत दुख होता है. मतलब इतना रोते हैं कोलकाता में तो दुर्गा पूजा में, मतलब जो एजड हैं, जिन लोग बहुत रोते हैं, जब हम लोग का जो सिंदूर खेला होता है, जिसको बोलते हैं सिंदूर खेला, मतलब जो दशमी का दिन, विजयादशमी का जो दिन होता है, जहाँ पर सिंदूर खेलते हैं सब मिलकर, बंगालिया का जो रिचुअल है. सो उस दिन ना इतने एजड कुछ होते हैं ना, बहुत रोते हैं दुर्गा माँ को पकड़ के. तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है. तो वो एटलीस्ट मैं जब 11 दिन का गणपति मैं भी करती हूँ. मेरे घर के गणपति है, मेरा छोटा मोटा पूजा होता है. तो जो भी हो, लेकिन गणपति को मेरा विसर्जन नहीं करना पड़ता, इसलिए मेरे को खुशी होती है कि गणपति तो मेरे साथ ही रहेंगे. तो यही है. सो गाइस, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी स्टार्ट करती हूँ पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ. क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं मैं ड्रेस पहन के रेडी हूँ, नहाना धोना हो गया है, सुबह सुबह पूजा करना पड़ेगा. सो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए कि मैं पूजा आज कैसे करती हूँ और कहाँ कहाँ जाती हूँ, शायद मैं बाहर निकलूँ भी. सो मेरे हाथों में मेहंदी की कलर बहुत अच्छी आई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फेड हो गया, बिकॉज काम करते करते ना हम लोगों को तो काम करने पड़ता है. बट यस, कलर बहुत अच्छा आया है. सो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
मेरे घर का पूजा तो कंप्लीट हो गया है, अब मुझे जाना है मेरी ननद के यहाँ, मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब बुआ की लड़की हैं, उनके घर जाना है। सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग, मतलब अब बारिश शुरू हो गई, पता नहीं। एनीवेज जाना तो पड़ेगा ही, पूजा है। सो अभी ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जल्दी जल्दी जाती हूँ, जल्दी जल्दी आना बिकॉज बेटी स्कूल में है। सो हर दिन स्कूल है उन लोगों का, गणेश चतुर्थी में भी कोई छुट्टी नहीं है। सो अभी जल्दी जल्दी जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद भी मेरा शाम को मतलब आरती वगैरह बहुत कुछ रहेगा। सो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए मेरा वीडियो। उमा सुतं सौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। आओ आओ गजानन आओ, आगे पूजा जानन, आने में न देर लगाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा कर सवन साओ। भोले शंकर के पुत्र गजानन, भोले शंकर के पुत्र गजानन, मैया गौरा के पुत्र गजानन, आने में न देर लगाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा गाइज। अभी ननद के घर में हूँ, तो भगवान जी को आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, मैंने बैक कैमरा में दिखाती हूँ। सो ये है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अभी पूजा होने वाला है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं।
hey guys, that was all about today's video. मैं आज ये गेटअप में अभी हूँ क्योंकि मैं रील्स बना रही थी. इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया क्योंकि पूजा रहने से घर में इतने सारे काम रहते हैं और जो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है मैं रील्स बनाती हूँ और हर ओकेशन में रील्स बनाती हूँ. सो मैं अपने इंस्टाग्राम का पहले भी दी थी, अभी भी फिर से दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं. सो यहीं पे आज वीडियो एंड करती हूँ, बहुत रात हो चुकी है. सो मेरा रील्स बनाते बनाते भी बहुत देर हो गया. सो आई होप आपको ये वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो और सबका दिन बहुत अच्छा गया हो. और जैसे गणपति जी हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, मैं यही आशा करती हूँ. सबका दिन, साल, सब कुछ, ये जो फेस्टिव ओकेशन स्टार्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से आप गुजारे अपनी पूरी साल को, पूरे साल को. सो यही कामना करती हूँ सबके लिए और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ. सो पहले भी बोला है, अभी बोल रही हूँ कि इफ़ यू लाइक माय चैनल देन टू सब्सक्राइब इट. जो नॉन सब्सक्राइबर्स है, जो नए देख रहे हैं, मेरा चैनल देखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा. और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं. सो बस यही पेंट करती हूँ एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो बाय बाय.